ये लेग पीस खाने जा रहा हूँ उनका, फ्राइड जूसी चिकन। स्मोकी स्पाइसी, भाई साहब खाते जाओ आज तो मैं रुकने वाला ही नहीं हूँ। नॉनवेज लवर के लिए इससे बेस्ट प्लेस नहीं हो सकता कोई। तू बोल मैं खाऊंगा। जिस तरह से तू खा रहे हैं, मैं नॉनवेज कभी नहीं खाती हूँ और इसको देख के मेरे को मन कर रहा है कि मैं एक आधी बाइट तो ले ही लूं। मैड ओवर चिकन रेवाड़ी में, बिल्कुल दोस्तों, मैड ओवर चिकन रेवाड़ी में खुल गया है और चिकन लवर्स के लिए ये बेस्ट अड्डा है खाने का। रोज पार्टी करो, दोस्तों के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ और बस स्वादिष्ट चिकन ही चिकन। अच्छा, खासियत यहाँ की ये है कि फ्रेश एंड जूसी चिकन यहाँ पे मिलता है और साथ ही साथ बहुत बढ़िया डील्स भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है दोस्तों। और चिकन के अलावा पिज्जा है, बर्गर है, तरह तरह के रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हैं अंकित। अच्छा, पिछली बार जब हम रेवाड़ी आए थे ना, तो रेवाड़ी वालों से जब पूछा गया कि ऐसा क्या कुछ नहीं है रेवाड़ी में जो जिसकी चाहत है उन्हें, तो ये कहा गया था कि रेवाड़ी में कोई ऐसा नॉनवेज का अड्डा नहीं है जो होना चाहिए। जूसी चिकन सर्व करता हो। और दोस्तों इसीलिए रेवाड़ी में अब खुल गया है मैड ओवर चिकन और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी जबरदस्त डील्स दी हुई है और क्या कुछ है यहाँ पर। एक बार नजर डाल लीजिए आप, ये देखिए। नॉनवेज की बात करें तो यहाँ पे स्मोकी एंड स्पाइसी ग्रिल्ड चिकन बर्गर है, चिकन पैटी बर्गर है, पेरी पेरी ग्रिल्ड बर्गर है, मॉक रॉक बर्गर है, हॉट विंग्स हैं, क्रिस्पी एंड जूसी चिकन है, फ्लेम ग्रिल्ड पेरी पेरी चिकन है। वाओ, इतने सारे नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। तो सोचिए हम क्या क्या खाने वाले हैं और आप अगर मिस कर रहे हैं तो जल्दी आ जाइए। बिल्कुल। और दोस्तों यहाँ पर सिटिंग की भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको पार्टी करनी है दोस्तों के साथ, किसी का बर्थडे है, किटी पार्टी है और आपको मस्ती करनी है, मजा करना है, कुछ फ्रेंड्स को आके गेट टुगेदर करना है, तो मेरे हिसाब से नॉनवेज के अगर लवर्स हैं तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए। इना जल्दी से भूख लग रही है, मुझे दे देते हैं ऑर्डर जल्दी से। मेन्यू देख रही थी और मेन्यू का नाम लेते लेते आलू पेटी बर्गर है, वेजीज में इतने ऑप्शन है, नॉनवेज में ऑप्शन है और सबसे बड़ी बात है ड्रिंक्स में इतने सारे ऑप्शंस हैं। और ये फोटोज में देख के जितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, मैं सब ऑर्डर करने वाली हूँ, सब ऑर्डर करने। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि एक ही छत के नीचे आपको या तो कहीं कहीं पे नॉनवेज मिलेगा या बर्गर मिलेंगे या पिज्जा मिलेगा, चिकन मिल रहा होगा या बर्गर मिल रहा होगा या फिर आपको पिज्जा मिल रहा होगा, अलग अलग। लेकिन एक ही छत के नीचे आपको तीनों चीजें मिल रही हैं, तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो गया है। चलिए ऑर्डर दे देते हैं जल्दी से और ऑर्डर में क्रिस्पी एंड जूसी चिकन मुझे खाना है। इना, तुझे क्या चाहिए? मुझे वेज बर्गर चाहिए इनका। अच्छा, मुझे 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 स्मोकी एंड स्पाइस ग्रिल भी चाहिए मुझे, और ड्रिंक्स भी चाहिए तुझे, पिज्जा भी चाहिए। चलिए। अच्छा इना, सबसे अच्छी बात यह है कि सुना है हमने कि इनकी जो किचन है जहाँ पे प्रिपरेशन होती है वो भी बड़ी हाइजीनिक है। बिल्कुल हाइजीनिक है। कोरोना काल के बाद में आप जहाँ बैठ कर खा रहे हैं वो साफ सुथरा हो और आपको कोई बीमारी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हाइजीन का बेहद ख्याल रखा गया है दोस्तों यहाँ पर। और आप देखिए जरा कितनी साफ सुथरी किचन है, किस तरह से प्रिपरेशन होती है यहाँ पर। और सिटिंग की अगर बात की जाए तो सिटिंग भी बहुत जबरदस्त है यहाँ पर। कम से कम ऊपर नीचे मिला के ग्राउंड फ्लोर 40 लोग बैठने की सिटिंग्स है। एंड मोर ओवर अभी मेरी जैसे बात हो रही थी, यहाँ पर पार्टी का भी अरेंजमेंट है। अगर आपको अपनी किटी पार्टीज करनी है, बच्चों की बर्थडे पार्टीज करनी है या फैमिली का गेट टुगेदर करना है तो अच्छा खासा स्पेस है आपके पास। तो रेवाड़ी वालों, सोच क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मैड ओवर चिकन, अगर चिकन के वाकई में आप दीवाने हैं तो इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती। जल्दी से हम आपको टेस्टिंग करके बताएंगे, रिव्यू करके बताएंगे कि क्या वाकई में दम है इनके चिकन में। चलिए। वाओ इना, हमारा आ चुका है मील। ओहो, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ सीरियसली। क्या क्या है? सरप्राइज बॉक्सेस हैं। अब एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कौन सा सरप्राइज किस बॉक्स में हमें मिलने वाला है। बर्गर, सारा ऑर्डर एक साथ। वाओ अंकित, अच्छा पैकिंग भी कितनी शानदार की हुई है। शानदार है, बॉक्स है। अब बॉक्स के अंदर ये नहीं सीधा बर्गर रख दिया है, उसको भी प्रॉपर रैप किया है ताकि खाते हुए हाथ में ना लगे। पिज्जा भी आ गया, लीजिए। देखिए, बर्गर है, पिज्जा है, नॉन वेज, सारा आपको मिलने वाला है एक ही जगह पर। शॉप नंबर 26, सेक्टर 3, पार्ट 1, रेवाड़ी। तो दोस्तों मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है ना, मुझसे भी नहीं रहा जा रहा यार। आई एम सीरियसली, जगह कम पड़ गई है लेकिन खाने के इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। वाओ। अच्छा, सबसे खास बात देखी ना मैंने मेन्यू में ना, अच्छा प्राइस भी बड़े रीजनेबल दिए हो। मतलब बहुत सारे चिकन के ब्रांड्स है, ये FC, वो FC, फलाना FC, लेकिन ये जो एमओसी है मेरे हिसाब से इसने सबकी छुट्टी कर दी है, छुट्टी करने वाला एग्जैक्टली। ओ वाओ, चिकन विंग्स हैं ये, तेरे तो मुंह में पानी आ गया होगा। मैं तो सबसे पहले यही ट्राई करने वाला हूँ, लेग पीस। ये लेग पीस खाने जा रहा हूँ, उनका फ्राइड जूसी चिकन। इट्स रियली वेरी जूसी। बस बस नॉन स्टॉप खाया जा रहा है, इतना स्वाद है क्या भैया। चिकन की क्वालिटी और फ्रेशनेस और जूसी चिकन है, उससे पहले मैंने ऐसा फ्राइड चिकन तो नहीं खाया वाकई में। ये देखिए, ये क्या है, प्यारी प्यारी चिकन। हाँ, प्यारी प्यारी चिकन यार। चिकन के इतने आइटम्स हैं यहाँ पर ही ना। ग्रिल्ड जो हुआ है उसकी जो स्मोकी स्मेल है, खुशबू है, मजेदार। हाँ, वेज के भी अच्छे खासे ऑप्शन है यहाँ पर और नॉन वेज के भी अच्छे खासे ऑप्शन है। अंकित नॉन वेज ट्राई करने वाला और मैं वेज ट्राई करने वाली हूँ। मुझे अगर कोई कहे ना दिल्ली से रेवाड़ी आ जाओ नॉन वेज खाने बढ़िया के लिए आ जाऊंगा, भाग आ जाएगा भाग के। अब मैं देखती हूँ इस बॉक्स में क्या है। बर्गर है और बाकी के और बॉक्सेस में क्या है, ये तो सरप्राइज लग रहा है हमें। ये क्या है? हाँ, स्मोकी स्पाइसी। भाई साहब खाते जाओ, तो मैं रुकने वाला ही नहीं हूँ। नॉनवेज लवर के लिए इससे बेस्ट प्लेस नहीं हो सकता कोई। ऑथेंटिक जैसा नाम है। हाँ। स्मोकी स्पाइसी, पेरी पेरी चिकन और चिकन फ्राई, एग्जैक्ट टेस्ट भी वैसा ही है ना। अभी एक डिब्बा और बचा है अंकित, सब ट्राई करना है आज। मतलब रेवाड़ी वालों के लिए इतनी बड़ी ट्रीट और यहाँ पर खाने के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं। तू बोल, मैं खाऊंगा। जिस तरह से तू खा रहे है, मैं नॉनवेज कभी नहीं खाती हूँ और इसको देख के मेरे को मन कर रहा है कि मैं एक आधी बाइट तो ले ही लूँ, पर मैं ले नहीं पाऊंगी। आई एम अ वेजिटेरियन, तो आई विल ट्राई पिज्जा, बर्गर और चोकोलावा और ड्रिंक्स और बहुत कुछ है यार। पर सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी कि तुझे खाता देखकर मुझे भी बहुत भूख लग गई है। टेस्ट कर। तूने हर जगह बर्गर खाया, ये पिज़्ज़ा खाया होगा, लेकिन इतना सटल सा स्वाद मसालों का, कोई भी किसी पे ओवर पावर नहीं कर रहा। बेस का स्वाद अलग से आ रहा है, इसके सॉसेस का स्वाद अलग से आ रहा है, चीज का अलग से आ रहा है, मसालों का अलग से आ रहा है। सब फ्लेवर घुले मिले नहीं है और सब अलग अलग टेस्ट मिक्स होकर क्या मजेदार लग रहा है। मैंने कहा कि स्पेशली भी अगर चाहूं तो मैं गुरेज नहीं करूंगा यहाँ आने में। मैं अगर रेवाड़ी के आसपास से जा रही हूँ तो मैं पिज्जा तो सिर्फ यहीं का खाने वाली हूँ। मैनेजर साहब से पूछे तो सही, मैनेजर साहब का हमारे मैनेजर साहब ये बताइए, इतना फ्रेश और जूसी चिकन ये है कैसे? हमारा जो चिकन है सर वो डेली फ्रेश आता है, इतना ही मंगवाते हैं जितनी कंजप्शन हो पाती है। अच्छा, और जो कहां से आता है? सोनीपत से आता है। रेवाड़ी से क्यों नहीं लेते आप? रेवाड़ी में इतना फ्रेश मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि जो चिकन की क्वालिटी है आपकी वो भी बड़ी, मतलब जैसे जो पीसीज हैं वो भी बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं मुझे, क्योंकि जो पीसीज है हमारे वो बिल्कुल स्टफ आते हैं। जितनी वहाँ से जैसी क्वालिटी मेंटेन होती है वहाँ पे ऐसी कैसी रखी जाती है, उसके बाद सर्व किया जाता है और जितना कंजप्शन होती है उतना ही मंगवाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही वजह है ना कि फ्रेशनेस अभी तक बरकरार है। देख लो इसकी एमओसी ब्रांड है और इसके आई गेस 75 आउटलेट्स है ऑल ओवर द इंडिया और सभी आउटलेट्स पर अंकित सेम स्वाद मिलता है यहाँ पर। और जो इनके कारीगर हैं वो लोकल रेवाड़ी के नहीं हैं, वो स्पेशली ट्रेंड कारीगर होते हैं जो इनकी मेन ब्रांच से आते हैं काम करने के लिए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह रेवाड़ी वालों, यहाँ पर अगर आप किटी पार्टी और बुकिंग कराते हैं, पार्टी कराते हैं तो बुकिंग फ्री है, मिलेगी। बिल्कुल फ्री है बुकिंग, आप आइए पार्टी कीजिए और उसके बाद पैसे दीजिए। और ये बर्गर रह गया भैया, चिकन बर्गर भी खा के देखते हैं इनका कैसा है। ये कुछ मैकडोनल्ड के आलू टिक्की बर्गर की याद दिला रहा है। सब फेल है। बात की जाए प्राइस की ना, तो क्रिस्पी और जूसी चिकन 2 पीस मिलेगा 189 में, 4 पीस 329 में, 8 पीस 629 में। मतलब एक बकेट लेकर आप पूरा परिवार जो है अच्छी तरह खा सकता है। हाँ। कॉम्बो ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। मैं वेज बर्गर अब ट्राई करने वाली हूँ। आई गेस ये आलू टिक्की बर्गर है इनका आलू टिक्की बर्गर है और इसमें कौन सी सॉस है? 1000 सॉस है। अच्छा, ये 1000 सॉस तो बड़ी पॉपुलर है, मुझे लग रहा है मेरे घर में भी होनी चाहिए। बर्गर की जो ब्रेड है वो बड़ा फ्रेश है। ये भी आपका यहीं पे बनता है या स्पेशली सोनीपत से आता है? बन के हम इंग्लिश ओवन का यूज करते हैं। इंग्लिश ओवन का, जी हाँ, क्योंकि ये बन लोकल बन नहीं लग रहा जो हमें हार्वेस्ट के मार्केट से मिल जाते हैं या हम किसी और शॉप पर जाते हैं तो हमें बने हुए मिल जाते हैं। बहुत ही फ्रेश और सॉफ्ट बने हैं। अभी चोको लावा मेरे हाथ में और मैं देखने वाली हूँ कि इस चोको लावा का लावा कैसा है। मजा आ गया, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट, मजा आ गया। मतलब रेवाड़ी वालों को इस क्वालिटी की जरूरत थी। दिल्ली जैसा, अगर मैं बोलूँगी कि दिल्ली या गुड़गांव जैसे बड़े शहरों का जो स्वाद है वो रेवाड़ी में आपको एक्चुअली यहाँ पर मिल रहा है, मिलेगा। क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हाइजीन है। और दोस्तों मेरे हिसाब से फ्राइज, शेक और चिलर्स भी आपको जरूर ट्राई करने चाहिए। मैं मोहितो पीने वाला हूँ। रिफ्रेशिंग है यार, रिफ्रेशिंग। तो कुछ मत देखिए, कुछ मत सोचिए, ये वीडियो देखिए और जल्दी से आ जाइए एमओसी पर। एमओसी का एड्रेस एक बार फिर से बता देते हैं आपको, शॉप नंबर 26 सेक्टर 3 पार्ट 1 रेवाड़ी। दोस्तों तो आप बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे बताइए। और नॉनवेज खाने एक बार यहाँ पे जरूर आइए, क्यों ना। बिल्कुल, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। बाय बाय।